घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या सस्पेंस लाएगा पैसा? फिर रुकी फैंस की सांसें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक स्क्रिप्ट के अंदर की असलियत को पहचान कर उसे उस तरह से बड़े पर्दे पर दिखा पाए कि फैंस हर किस्म की कहानी को पसंद कर पाए और अपने परिवार के साथ बिताए हुए समय को याद कर पाए। जरूरी नहीं है कि जो कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है वो फैंस पसंद करें, लेकिन ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी ही है कि वो ऐसी फिल्म को बड़े पर्दे पर बनाए कि हर कहानी को फैंस पसंद करे, चाहे वो कहानी एकदम हटकर हो या फिर आम सी कहानी हो। और एक ऐसे ही डायरेक्टर हैं सुकुमार, जो पुष्पा फिल्म ने हमें एक ऐसी कहानी के साथ बांध पाए जो वैसे तो कोई खास कहानी थी नहीं। जी हाँ, लाल चंदन तस्करी की कहानी सुनने में भी कोई बहुत रोमांचक कहानी नहीं लगती, लेकिन उनके बड़े पर्दे पर दिखाने के अंदाज को ही फैंस ने देखना पसंद किया कि फिल्म बन गई एक सफल फिल्म और पुष्पा बनी एक हिट फिल्म। अब इस फिल्म के सीक्वल के लिए फैंस बेताब हैं, क्योंकि उनको इस कहानी पर विश्वास था और साथ ही उनके साथ थे एक ऐसे डायरेक्टर जो कि उस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने की काबिलियत रखते थे। इसलिए ही पुष्पा बन पाई एक इतनी ज्यादा सफल फिल्म। लेकिन अब इस फिल्म के सीक्वल के लिए फिल्म के मेकर्स खेल रहे हैं फिल्म की पैदा की हुई कहानी के सस्पेंस के साथ। ये बात तो सब जानते हैं कि एक फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए लोगों का इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट पैदा होता है सस्पेंस के साथ। फिल्म के पहले हिस्से में जो सस्पेंस बनाया गया था उसी को आगे बढ़ाए रखने के लिए फिल्म को इस मोड़ पर खत्म किया गया कि लोग इस फ्रेंचाइजी में दिलचस्पी रखें और पुष्पा के सीक्वल को भी देखने आए। ऐसे सस्पेंस के साथ साथ जब मिल जाता है अल्लू अर्जुन के फैन बेस को साथ, तो फिल्म के सीक्वल के लिए बन जाती है बात। हम सब जानते हैं कि फिल्म को इस तरह से एंड करने का एक ही मकसद था कि फैंस इस फिल्म के सीक्वल को देखने आए, और इसी सस्पेंस के ऊपर अब पुष्पा के मेकर्स भी लगा रहे हैं ढेर सारा पैसा। और देखने लायक बात ये होगी कि क्या इस सस्पेंस में उनको उतना फायदा मिलेगा जितना वो चाहते हैं। आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था, और जाहिर सी बात है कि इसके सीक्वल को भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी काफी धमाल मचाएगी ही। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। आप अपनी राय जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं मूवी को देखने के लिए, और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।